हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. दिस इज प्रीति बुरा और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल साइंसेज करंट अफेयर्स की सीरीज़ की, दैट इज सीरीज थ्री. और हमने दो कवर पहले कर लिए हैं और अभी सीरीज़ फोर अपनी रहती है ताकि अपने पूरे साल के करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग इशूज़ हैं वो कवर हो जाएँ. बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ कि टेलीग्राम में पेड ग्रुप्स और अपने फ्री ग्रुप्स बहुत सारे चलाए गए हैं बाय दिस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड कि आपको इतनी तैयारी की ज़रूरत है, आपको इतनी अटेंशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. बाकी चेक करते हैं अपना नेक्स्ट. पहले है दैट इज़ कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन. इसका मतलब क्या है? अफॉरेस्टेशन का मतलब आई थिंक सबको पता होगा कि पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को हटाना, जंगल साफ करना. तो आपके किस लिए आप किसी फॉरेस्ट को साफ करते हो? क्योंकि आपको अर्बनाइजेशन हो रहा है या एग्रीकल्चर पैटर्न्स आपके चेंज हो रहे हैं या फिर फैक्ट्रीज लगानी है, मतलब किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी काम के लिए अगर आप उनको साफ कर रहे हैं. और अगर इसी अगर आपको इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए आप अगर किसी खाली जगह पर फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन, ठीक है. और कॉम्पनसेटरी का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी देखो फॉरेस्ट का एरिया है वो आपको नॉन फॉरेस्ट में अगर आप उसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी ना किसी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटीज़ हो जो उसके लिए. अब तो देखिए, ये बिल तो इंट्रोड्यूस 2015 में हो गया था, बट अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो अभी इसी साल से स्टार्ट होंगी और अभी इवन अभी से स्टार्ट होंगी. तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया को किसी नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक कॉम्पनसेटरी कोई फंड देना होगा, फंड जनरेट करना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन भरना होगा, ठीक है. एक तरह से वो हो जाएगा कि जैसे आप कॉम्पनसेशन मांगते हैं कि भाई हाँ ये गलती हो गई तो ऐसी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है. तो एक तरह से पेनल्टी होगी, ठीक है. और जो बिल है जो आपका जो सॉरी स्टेट और यूटीज़ को क्या करना है, उसमें एक लैंड बैंक क्रिएट करना है, ठीक है. किसके अंडर? अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर आपको एक लैंड बैंक का क्रिएशन करना है, ठीक है. किसको? स्टेट्स को और यूटी को. बिल तो ये बोल रहा है, बट जो स्टेट्स हैं वो एक कमेटी भी बनाएंगी, अभी नई कमेटी बनाएंगी. कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होगा, चीफ वाइल्ड लाइफ होंगे, आपके वार्डन जितने भी होंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ठीक है. जो कि क्या डिसाइड करेंगे, जो कि आपकी लेवल डिसाइड करेंगे कि कितने लेवल तक आपको कॉम्पनसेशन भरना है, ठीक है. और बेसिकली कॉम्पनसेटरी जो अफॉरेस्टेशन है वो तो 1000 प्लांट्स पर हेक्टेयर है ही है, ये तो कॉम्पनसेटरी है ही सबके लिए, ठीक है. और अभी क्या बोल रहा है, और इस ये बिल अभी हमको दो चीज़ें और बोल रहा है. वो क्या बोल रहा है कि एक तो फंड जनरेट होगा, नेशनल जो फंड जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में. और जो स्टेट का जो फंड जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट्स में, ठीक है. और फिर ये जो पेमेंट्स आएंगी वो किस किस फॉर्म में रिसीव करेंगे आप लोग, मतलब ये कॉम्पनसेटरी जो फंड आएगा, एफॉरेस्टेशन का जो फंड आएगा वो किस मतलब किस रूप में या किस आप किस चीज़ में आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव होंगी, वो कैसे होंगी? एक तो एफॉरेस्टेशन के थ्रू कि आपको एफॉरेस्टेशन करना होगा कॉम्पनसेटरी, दैट इज़ 1000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, मैंने आपको बताया. दूसरा क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कि कितनी प्रेजेंट वैल्यू है फॉरेस्ट की उसमें इंक्रीज, ठीक है. और तीसरा क्या है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब क्या है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है उसको स्पेसिफिक अगर देखा जाए, स्पेसिफिकली कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कितना परसेंटेज आपने डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है वो देखेंगे, ठीक है. और जो ये फंड है इसका 10% सेंटर को जाएगा, और जो 90% का फंड है वो कहां जाएगा? वो आपके स्टेट फंड्स में जाएगा, इन तीनों में जो होगा, ठीक है. बेसिकली अब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि ऐसी पेनल्टी या ऐसा कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन की इंडिया को बहुत ज़रूरत थी. अभी तक ऐसी कोई चीज़ है नहीं इंडिया में कि हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं तो हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो ने एक अच्छा काम किया है कि जहाँ पर भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं या जितने भी अपने इसने क्या किए हैं ट्रीज़ को क्लियर किया है, तो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो ने ट्रीज़ लगाए भी हैं दिल्ली के अंदर. तो दैट इज़ ये एक सेम सिनेरियो है, अगर हम देखा जाए तो सेम सिनेरियो लाइक दिल्ली मेट्रो, ठीक है. अभी नेक्स्ट आते हैं हम वन हॉर्न्ड राइनोज. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और न्यूज़ में भी हैं. बेसिकली देखो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक तो पहले सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि वन हॉर्न राइनो है आपका कहाँ मिलते हैं, ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं. तो वहाँ पे दो तीन नेशनल पार्क्स हैं जैसे असम के पास, वो तीन चार हैं वो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है. और तीनों का नाम के से स्टार्ट होता है, दैट इज़ काजीरंगा हो गया, ठीक है, और कियोबुल लमजाओ हो गया. तो ये भी जो मणिपुर में है,
लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि देखो कि है कहाँ पे वो. और अभी क्या है कि उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स उनके लिए एस्टेब्लिश की गई है. क्यों? क्योंकि देखिए कि जो नेशनल हाईवे वहाँ से एक पास हो रहा है, अगर नेशनल हाईवे किसी इन आपके यहाँ से पास होता है किसी ना किसी जहाँ पे आपका कोई प्रोटेक्टेड एनिमल रखा है या बर्ड रखा है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस, मतलब हिट एंड रन के केसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको अभी क्या करना है, अभी मैन मैन पावर आपकी इतनी, मतलब इतनी फिजिबल नहीं है उस एरिया में, क्योंकि कोई नेशनल पार्क है उसमें मैन पावर इतनी जल्दी काम नहीं करेगा जितना मशीन्स काम करेंगी. तो अभी सेंसर्स की बात चली है, सेंटर देखो सेंटर ने बोला है कि स्टेट को कि ऐसा कुछ जनरेट कीजिए कि आप इस कोई सेंसर लगा दीजिए वहाँ पे बहुत सारे, ताकि एटलीस्ट ये तो पता चले कि हिट एंड रन के केसेस में कि गुनहगार कौन है, ठीक है एटलीस्ट. तो बेसिकली इसके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स भी किसके लिए, राइनोज के लिए चलाई गई है, ताकि उनकी अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है. क्योंकि देखो जो आसपास के लोग हैं या फिर जो आसपास की जो थोड़े से एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो जो इसका टस्क होता है ठीक है राइनोज का, वो उसको यूज़ करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं. इसका यू नो बिजनेस एक तरह से चला रखा है इन लोगों ने. तो इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पहले से ही ऑब्वियसली ये वल्नरेबल है एक तरह के किस्म से देखा जाए तो, इसी नेशनल पार्क में मिलता है. तो बाकी आप इंडियन साइट्स जो हैं 100 राइनोज की, वो यूपी, वेस्ट बंगाल और असम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकते हैं ये किसी भी पेपर में, पूछ सकते हैं कि जो इंडियन साइट्स हैं वो कौन सी है, ठीक है. और 91% आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है राइनोज की, 100 राइनोज की, वो कहाँ पे लाई करती है, वो इंडिया में लाई करती है, ठीक है. और हमने एक राइनो विजन भी अपना लॉन्च कर दिया है, 2020 का है, ठीक है. और कब लॉन्च किया था, 2005 में लॉन्च किया था, लेकिन 2020 उसकी क्या है, उसकी लिमिट है, या फिर उसकी टारगेट हमने सेट किया था कि 2020 तक हम अपने सारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे कर लेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी एरियाज इन केरला, बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल खुद ऐसा इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद ने यहाँ पे देखा है, ढूंढा है कि भाई केरला में इतने सारे बायोडाइवर्सिटीज एरिया मिले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनको बर्ड और बायोडाइवर्सिटीज एरिया भी है, वहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स के स्पीसीज मिले हैं इनको. तो ये मैंने नीचे हैं बहुत सारे नाम लिख दिए हैं अलग अलग, बेसिकली इतना ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग कोई डिवीज़न है या फॉरेस्ट है, लेकिन केरला में सबसे ज़्यादा मिले हैं. तो बेसिकली अभी क्या है, लेटेस्ट जो एडिशन है वो दैट इज़ केरला हैज़ नाउ 33 IBAs. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्टेट के अंदर 33 ऐसे आपको बायोडाइवर्सिटीज एरिया मिल रहे हैं, ठीक है. और मैंने आपको नीचे नोट्स में बता दिया है कि IBAs बेसिकली होते क्या हैं, अगर किसी को नहीं पता तो देखो. अगर IBAs का मतलब है ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अगर किसी भी जगह को देखता है कि भाई वहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, या ऐसा सिग्निफिकेंस है कि भाई वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स और अदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम एक एरिया घोषित कर सकते हैं, जैसे रामसर साइट वेटलैंड्स को करता है ऐसे ही ये करते हैं, ठीक है. और हम क्या करते हैं वहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एक कॉन्जर्वेशन का जो तरीका है, जो एक्शन है, वो बहुत डिफरेंट है वहाँ पे, ठीक है. लोकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो केरला को ऐसा एक होम दे दिया है कि किसके लिए, क्योंकि वहाँ पे 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं. एक तो वल्चर हो गया, इंडियन वल्चर हो गया, रेड हेडेड वल्चर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है. और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने अभी जो है 19 इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, और उसमें से क्या है कि 9 का है तुम्हारे पास, 9 तुम्हारे पास केरला में है. तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये. नेक्स्ट आते हैं हम बेसिकली बैम्बो मिशन. बैम्बो मिशन आपको पता होगा कि बैम्बो अब से एक प्लांट नहीं है, ठीक है. अब वो उसमें मैंने अभी भी पिछली सीरीज में आपको एक न्यूज़ दिए उसमें दिया था कि हाँ ये टैक्सोनॉमिकली एक ग्रास है, ये प्लांट में नहीं आता है. तो बेसिकली इसको यही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ बैम्बू, बैम्बू ग्रास है क्या है, ठीक है. एग्जेम्पशन क्यों, एग्जेम्पशन मांगा जा रहा था बैम्बू की कल्टिवेशन के लिए बेसिकली, और वो इतना नहीं पूछेंगे कि क्यों मांगा जा रहा था, ये नहीं है. बस क्वेश्चन ये आएगा कि बैम्बू बेसिकली है क्या, ट्री है, ग्रास है, श्रब है, हर्ब है, क्या है, ठीक है. अभी आते हैं इंडिया, चाइना और म्यांमार में. बेसिकली देखो बैम्बू का जो है एक जो बेसिकली जो ज्योग्राफिकल जो रीजन होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो टेरिटरी है, वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे है वर्ल्ड में, ज़्यादातर इंडिया, चाइना और म्यांमार में है, ठीक है. और इंडिया को जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 136 स्पीसीज हैं बैम्बूज़ के, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट बैम्बू ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यू. आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग है ये आपका जो डाटा है.
अभी क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो डेंस जो बैम्बूज हैं वो आपके कहाँ फाउंड होते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में फाउंड फाउंड होते हैं. अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली देखो मिजोरम मणिपुर आसपास के एरियाज ऑब्वियसली होंगे, लेकिन जो मिजोरम है उसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अंडर डिफरेंट बैम्बू स्पीसीज है. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी स्टेट के अंदर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अंडर द डिफरेंट बैम्बू स्पीसीज आ सकता है, तो फॉलोड फॉलोड बाय मेघालय. ठीक है, और सॉरी, कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू क्या है बेसिकली, जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज थे उनको क्या है कि अभी फार्मर्स जो है बेसिकली यार उनकी इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए और ऊपर से की ग्रीन कवर भी इंडिया का कवर होना चाहिए. क्योंकि जो आपका बैम्बू मिशन है वो यही बोल रहा है कि अगर कोई अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया में हम इसको अभी अभी हम इसको उगा रहे हैं तो बेसिकली उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव के साथ हम उसको उगाएंगे कि फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो जाए और आपका ग्रीन कवर भी इंडिया का बेसिकली कवर मतलब इंक्रीज हो जाए. ठीक है, और अभी जो फॉरेस्ट एरिया में अगर वो जो 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 इतने भी उगाए जाते हैं वो क्या है, वो तो फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही आपके उगाए जाएंगे. बट जो नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंडर हैं उसमें हमने इसको दो ट्विन ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं. और बेसिकली अभी इसमें नई न्यूज़ तो यही आई है कि अभी पहले एग्जेम्पशंस था, अभी एग्जेम्पशन से हटा दिया गया है कि भाई हाँ आप नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी इसको उगा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी ये ट्री में नहीं आता, ये एक ग्रास में आता है. ठीक है, इसलिए अभी नेक्स्ट आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में. बड़ी ही भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड. क्यों रह रहा है? क्योंकि इंडिया का जो एमिशंस है, देखो इंडिया ने तो अपने एमिशन बढ़ा दिया लगभग बहुत ज़्यादा, 30-40% हमारा बढ़ गया है एमिशन सल्फर डाइऑक्साइड का. बट जो चाइना है उसने 75% अपने एमिशन्स कम कर दिए हैं SO2 के, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि सब, क्योंकि देखो चाइना इतना ज़्यादा इतना मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ पॉल्यूशन वहाँ पे भी ज़्यादा होता है और इवन एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन 75% अपने एमिशन्स को कम करना दैट इज़ अ वेरी गुड, मतलब मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा एफर्ट है. और इंडिया ने क्या किया, 40-50% हमने इंक्रीज ही कर दिया. ठीक है, हम मैं तो और भी क्यों, एक देखो सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि अपना जो 70% जो अपना एनर्जी सेक्टर है वो कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल अपनी एनर्जी पे. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं वहाँ से सबसे मेजर जो अपना पॉल्यूटेंट गैस कह सकते हैं, मेजर जो पॉल्यूटेंट है वो कौन सी गैस है, दैट इज़ SO2. तो इसलिए भी अपने एमिशंस बढ़ रहे हैं क्योंकि देखो सोलर एनर्जी इतनी वर्क नहीं कर रही इंडिया में, बाकी विंड एनर्जी पे चलो काम चल रहा है लेकिन इतना इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी ये देखो कॉन्वेंशनल तरीके ही यूज़ कर रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को, इन्हीं को यूज़ करे जा रहा है, कोल सेक्टर को इन पे. तो बेसिकली इनका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भाई हाँ चलो बिजली मिल रही है सबको, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा भी तो देखो कि SO2 कितना इंक्रीज़ कर दिया है हम लोगों ने. ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया क्योंकि चाइना ने 75% कम कर दिया, ये बड़ी चीज़ है कि हाँ चलो. और सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसमें प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे इसकी कि कलर ग्लास गैस है या नहीं है, कि रिएक्टिव है या नहीं है. ठीक है, ये एक पोल्यूटेंट की तरह काम करती है या नहीं करती है, और ये इसकी स्मेल कैसी है, एसिडिक स्मेल है, पंजेंट स्मेल है या फिर हार्श इसकी स्मेल है. ठीक है, और कहाँ कहाँ नेचुरली फाउंड होती है ये, वॉल्केनिक इरप्शंस में फाउंड होती है, तो ये पूछ सकते हैं. और इस क्योंकि ऐसा क्योंकि देखो न्यूज़ तो रहती है हमेशा हर साल, लेकिन न्यूज़ से आप कुछ बेसिक चीज़ें निकाला करो क्योंकि पेपर में बेसिक भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम फर्नेस ऑयल और पेट कोक पे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है तो इसलिए ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पेट कोक. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया सारी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, कि भाई अपने एक जो आपने नेशन वाइड बैन लगा रखा था किस पे, पेट कोक पे और फर्नेस ऑयल के यूज़ पे इंडस्ट्रीज को, क्यों, और अब उसको ओवरऑल इंडिया में कर दो. कुछ कुछ स्टेट्स में था, अब उसको ओवरऑल इंडिया में कर दो क्योंकि भाई हमको क्या है, पॉल्यूशन से फाइट करना है अभी. और बेसिकली किसने पहले बैन किसने लगा था, यूपी हरियाणा और राजस्थान ने बैन लगा रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कुछ कुछ स्टेट क्यों कर रहे हो भाई, पूरा इंडिया करो इनको बैन. ठीक है, क्योंकि इनके काफ़ी ये जो चीप है काफ़ी ऑयल, ये चीप है इसलिए ज़्यादा जो अपनी मिडिल क्लास है या फिर अपनी जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो अपनी और भी नीचे BPL फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करती हैं. इनको उनको खुद को भी खतरा है और पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला कि कुछ ऐसा इनकी जगह कुछ और बना दो या कुछ और भाई सब्सिडी दे दो, कुछ कुछ भी करो लेकिन एटलीस्ट इससे भी छुड़वाओ. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम बेसिकली COP 23. मैंने आपको पिछली सीरीज में बता दिया है COP 23 ये अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्लाइमेट चेंज के लिए होती है, UNFCCC के अंडर आती है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछ सकते हैं भाई. और 23rd मीटिंग कहाँ हुई है, बॉन जर्मनी में हुई है. 21st मीटिंग COP 21 पेरिस में हुई थी, जहाँ पे हमने पेरिस क्लाइमेट जो मीट जो काफ़ी फेमस है इस चीज़ से कि भाई उस दिन पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया था कि हाँ हमको कुछ ऐसा एक्शन प्लान बनाना है क्लाइमेट चेंज को
कम करना है या फिर क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कम करना है, ठीक है। और 23rd जो मीटिंग हुई है वो पहली मीटिंग है, जब कब कौन सी पहली मीटिंग है, जब भाई डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो वापस ले लिया है अपना, ठीक है, इसका सीओपी की मीटिंग से अब वहाँ पे। और कौन, किसने प्रेसाइड किया है, फिजी ने, ठीक है, प्रेसाइडेड बाय फिजी, ठीक है। और अभी तलानोवा डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रोड मैप इसमें तैयार किया गया है 23rd मीटिंग में। तलानोवा डायलॉग बेसिकली पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए है, और ये क्लाइमेट एक्शंस के लिए है बेसिकली, क्योंकि अब क्या है, हमको ऐसा कोई बाइंडिंग चीज़ बनानी है कि जो कंट्रीज में बाइंडिंग हो कि भाई तुमको इतना तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं परमाकल्चर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय परमाकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़ में रहता है। और 13th इंटरनेशनल परमाकल्चर कॉन्वर्जेंस हुई है बेसिकली हैदराबाद में, ये भी पूछ सकते हैं। और फर्स्ट IPC कब हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में 1984 में। अब अगर किसी को परमाकल्चर नहीं पता तो देखो कुछ ऐसा सोशल डिज़ाइन या प्रिंसिपल्स हमको हम इकट्ठा करते हैं कि जिसमें क्या है, अपनी एग्रीकल्चर भी हो जाए, कंजर्वेशन भी हो जाए, प्रोडक्शन भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, और कम्युनिटी जो है आपकी सारी की सारी मिलके काम करे, एक्शन प्लान बनाए, और फिर मतलब सबका भला हो जाए इसमें, ठीक है। और ये एक प्रो नेचर और प्रो पीपल है, मतलब हमको भी फायदा हो रहा है और नेचर को भी फायदा हो रहा है बेसिकली। अब बेसिकली नेक्स्ट आते हैं, 36 फार्मर्स हैं वो, देखो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई है, कहाँ पे, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। क्यों हो गई है, देखो अभी वैसा जो वहाँ पे जो है ह्यूमिड क्लाइमेट है, अभी पेस्टिसाइड इतना होने के बाद जो जो वहाँ की जो एयर है उसमें पेस्टिसाइड हो जाता है, अब क्लाइमेट वह होने के बाद जो उनकी सांस के थ्रू अगर पेस्टिसाइड जा रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर उनके बहुत सारे जहर इकट्ठा हो जाएगा, और फिर क्या है उनकी लाइन वाइज, क्योंकि देखो अगर किसी ने देखा हो कि स्प्रे करते हैं हम लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने का क्या मतलब है, अगर आपका क्लाइमेट ह्यूमिड है तो वो ह्यूमिड जो है वो एयर में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपकी सांस के थ्रू आपके अंदर जाएगा, तो दैट इज़ द रीज़न फॉर देयर डेथ्स, ठीक है। ये इनका एक बेसिकली रीज़न है, और क्यों, किसकी, कौन सी क्रॉप की वजह से, कॉटन की क्रॉप की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुपम वर्मा कमेटी, अभी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो उसने क्या, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो 13 एक्सट्रीमली हजार्डियस पेस्टिसाइड्स हैं आपके उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। इस कमेटी ने पहले रिपोर्ट में बोल दिया था ऐसा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसा, मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है, देखो इतना सारा फार्मर्स की डेथ होएगी तो ऑब्वियसली ये कंट्री के लिए बहुत ही, एक सोल्जर और एक फार्मर आई थिंक कंट्री के लिए सबसे ऊपर रहने चाहिए, और जब यही इनके साथ ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को शायद मेजर स्टेप्स लेना चाहिए इनके लिए, मैं तो यही मानती हूँ। बाकी चलो नेक्स्ट आते हैं, ग्रो सेफ फूड, ये कैंपेन स्टार्ट किया है किसने, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्यों, क्योंकि अभी यार इनका पेस्टिसाइड्स का कुछ अच्छे से यूज़ भी तो करो, कईयों को तो देखो ज़्यादा कर लेते हैं प्रोडक्शन की, उनको नॉलेज नहीं होती, तो गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सा बीच में आना चाहिए। तो ये ग्रो सेफ फूड, ये भी पूछ सकते हैं कि कैंपेन किसके लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और बाकी आपका जो डॉटर डैम कन्वेंशन है वो तो बेसिकली है ही इनके लिए कि केमिकल्स पेस्टिसाइड्स या आपके केमिकल्स हैं इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो थोड़ा सा कम हो जाए, या फिर ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो बेसिकली जो केमिकल्स की है वो सबके ऊपर आए भाई, हाँ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बन जाए, ठीक है। और इंडिया है वो रोटरडेम कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, मैंने इसलिए इसको लिख दिया है, और ये पूरा एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप इसमें हर एक ये पॉइंट डाल सकते हैं, हर एक पॉइंट वाइज जो मैंने आपको बताया ये हर एक पॉइंट में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिकली UNICIDR जेनेवा, बेसिकली ये क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आई थिंक आपने सुना होगा। तो इंडिया क्या है, जो हम उस वाले जोन में आते हैं कि जो हाईएस्ट रिस्क है भाई, जिसको किसकी वजह से, उनको क्या है कि जो डिजास्टर प्रॉन कंट्रीज हैं बेसिकली, ठीक है। और सेंडाई जो फ्रेमवर्क है आपका, सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली ये बनाई उसके लिए है, इसका जो टाइमलाइन है दैट इज 2015 से 2030 तक है। और हमने कब इसको अडॉप्ट किया था, थर्ड यूनाइटेड नेशंस जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, कहाँ हुई थी ये, सेंडाई में, कब हुई थी ये, 14-18 मार्च 2015 में, ठीक है। और अभी क्या है, अभी ये जो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सैंड माफिया भी काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये 2-3 साल से रह रहे हैं, और उनके जो इनका जो बेसिकली देखो गुजरात वाला एरिया, जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे है ज़्यादा। और क्यों, क्योंकि देखो जो बेसाल्टिक रॉक होता है आपका, ठीक है, वेस्ट टू रिप्लेस नेचुरल सैंड, ये ड्रॉन्स फॉर सब, अभी क्या है बेसिकली देखो, अभी गुजरात का जो वो वाला एरिया है, जैसे कच्छ वाला एरिया है, वहाँ पे हमने ड्रॉन्स लगा दिए हैं देखने के लिए, ड्रॉन आपको पता होगा
कि जो फ्लाइंग कैमराज होते हैं वहाँ पे, वो उनको देखेंगे कि भाई क्या किस तरीके से माइनिंग हो रही है। और मैंने मेरी इसमें मैंने एक नोट कर लिया है कि जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है उसने क्या बोला कि जो सैंड है वो फोर्थ मोस्ट माइंड माइनर मिनरल है आपके इंडिया में, ठीक है। और अभी इलाहाबाद को टर्टल सेंचुरी मिल गई है, नेक्स्ट न्यूज़ ये है, ये इंपॉर्टेंट है आपका UPPCS के लिए, क्योंकि टर्टल सेंचुरी पहली है मेरे ख्याल से इलाहाबाद में। और कौन से मिशन के अंडर बनी है ये भी पूछ सकते हैं, क्लीन गंगा मिशन के अंडर अंडर है ये, अंडर आ रहा है ये, ठीक है। और किसको किस भाई, रिच एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवर गंगा, भाई रिवर गंगा में बायोडाइवर्सिटी को हमको प्रिवेंट करना है, हमको सिक्योर करना है, तो बेसिकली टर्टल सेंचुरी उसी के लिए बनाई गई है, ठीक है। और गंगा और यमुना हमको पता होने चाहिए कि जो इलाहाबाद है वो वहाँ पे मोस्टली जो आपके जो टर्टल्स हैं या जो फिश हैं या आपकी जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है दैट इज़ डॉल्फिन, वो वहाँ पे मिलती है। और गवर्नमेंट ने ऐसी सेंचुरी पहले वाराणसी में भी प्लान की थी 1989 में अंडर द नेशनल गंगा एक्शन प्लान 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योर प्रोजेक्ट। सिक्योर प्रोजेक्ट ये बेसिकली हिमालयस के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? एनवायरमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। किसके साथ लॉन्च किया है? UNDP और GWP दैट इज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स के कॉन्फ्रेंस के अंडर, ठीक है। सिक्योर क्या करेगा? सिक्योरिंग आपकी लाइवलीहुड्स, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन, और बेसिकली हिमालयन इकोसिस्टम के लिए है ये सारा का सारा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपके जो जम्मू कश्मीर का एरिया आएगा, हिमाचल का एरिया आएगा, उत्तराखंड का एरिया आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा, क्योंकि देखो वर्ल्ड बैंक इसको पार्टनरशिप दे रहा है और प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि सिक्योर जो आपका प्रोजेक्ट है उसको कौन पार्टनरशिप दे रहा है या फिर आपको कौन उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ जो आपका जो प्रोग्राम है दैट इज़ लेड बाय वर्ल्ड बैंक 2015 में इनिशिएट ले लिया था। और इंडिया क्या है इसमें? लीडरशिप, मतलब ऐसा हम इसमें लीडर है इस वाले प्रोग्राम में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो आपका प्रोग्राम है इसमें इंडिया किस चीज़ का काम कर रहा है? इंडिया इसमें लीडरशिप का काम कर रहा है, ठीक है। और इंडिया ने होस्ट भी किया है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स को, क्यों? क्योंकि किस लिए? क्योंकि हम इलीगल जो आपका वाइल्ड लाइफ ट्रेड है हम उसके खिलाफ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये था आपका आज के लिए सारा का सारा करंट अफेयर्स। बाकी प्लीज़ कमेंट्स में करके बताइएगा कि आपको क्या इसमें अलग से कोई सजेशंस मेरे को बताइएगा, चेंजेस बताइएगा, मॉडिफिकेशंस बताइएगा। और इवन जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बीच बीच में बताए हैं उनको प्लीज़ आप एक बार नोट कर लीजिए, वन लाइनर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको लगे तो प्लीज़। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।